हेलो गाइस, वेलकम टू द इंडियन किचन। और आज मैं आपको मटन कढ़ी बता रही हूँ झटपट एकदम। हम इसमें कोई फ्राई नहीं करेंगे, झटपट सारे गोश्त में सारे मसाले मिला देंगे और झटपट बनाएंगे। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने 1.25 kg मटन को वॉश करके कुकर में डाल दिया है। अब इसमें हम ऐसे ही सारे कच्चे मसाले मिलाएंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और आज हम इसको राई के तेल से बना रहे हैं। आप रिफाइंड डालना चाहें तो आप रिफाइंड डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से। और इसमें हम सारे मसाले मिलाएंगे। एक काट हमने प्याज की काट रखी है, वो सब हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमने 2 टमाटर, एक हम साबित काट लहसुन की डालेंगे और 2 टमाटर हमने काट रखे वो भी डाल देंगे। 4-5 हरी मिर्चें मैंने काट दी हैं, साबित वैसी डाल देंगे। फिर इसमें हम गरम मसाला, तेजपात का पत्ता, अखा गरम मसाला डाल देंगे। फिर उसके बाद में हम इसमें सूखे मसाले मिलाएंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मिर्ची डाल रहे हैं हम इसमें, तो इसमें 2 चम्मच मिर्च डाल रहे हैं। धनिया पाउडर डाल रहे हैं 2 चम्मच। नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैं तो 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से। अब पिसा हुआ गरम मसाला होममेड डाल रहे हैं 1 चम्मच से थोड़ा कम। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, अब इन सारे मसालों को हम मिक्स कर देंगे। हमने आज कुछ भी फ्राई नहीं करा, हम झटपट मटन कड़ी बना रहे हैं। हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है, एक हम बॉइल आ जाने देंगे अपने मटन में, फिर हम इस पे लिड लगाएंगे। देख लीजिए हमारा मटन जो है, देखिए कुक हो रहा है, उबाल आ गया है, पक रहा है, कुकिंग प्रोसेस। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे ताकि, और इसमें हम सीटी लगाएंगे इसे अच्छे से मिक्स करके। अब इसी स्टेज पे हम इसको 5 सीटी लगाएंगे। अब 5 सीटी के बाद हम इसको पकने देंगे, 1 सीटी हाई फ्लेम पे और बाकी सीटी हम लो फ्लेम कर देंगे। 5 सीटी के बाद हम अपना कुकर खोलते हैं ठंडा होने के बाद। हमने परफेक्ट पानी डाला था। अब देखिए हमने सारे कच्चे मसाले डाले थे, अब हमारा इम्पोर्टेंट काम ये है कि अपने मटन को अच्छे से भून लेना। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि हमने टमाटर वमाटर काट के डाला था, प्याज व्याज सब कच्चा डाला था। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, इसको सुखा देंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून रहा है, तेल अब सेपरेट होने लगा है। देख लीजिए सारे मसाले मिक्स अप हो गए। अब इसी स्टेज पे हम जरा गैस स्लो कर लेंगे और इसमें हम दही मिक्स करेंगे। आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, स्लो कर लेते हैं ताकि दही फटे ना। 3 चम्मच हम इसमें दही डाल के इसको अब मिक्स करेंगे। अब हमारा देख लीजिए अच्छे से तेल वो छोड़ दिया है, मसाला एकदम भुन गया है। देख लीजिए एकदम अच्छे से ग्रेवी बन गई है। 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाल दी हमने और इसमें अब हम थोड़ा ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। मैंने पानी गरम कर रखा है, गरम पानी डाल रहे हैं। गरम पानी डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छा रहता है। और इसमें हम थोड़ी सी बस, अब इसको हम बंद कर देंगे, 1 सीटी आने देंगे, फिर बाद में अपने सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हम अपना कुकर खोलते हैं, देख लीजिए। और इसमें हम धनिया मिर्च डाल देते हैं, हमारा मटन तैयार हो गया। देख लीजिए साथ में मैंने सिरके प्याज का सैलेड भी बनाया हुआ है, देख लीजिए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। थैंक्स गाइज़।